तेरी नदियाँ बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो हमारे अनाम प्रेम परिवार के जो बच्चे मुंबई से आए हैं, अपने वाद्य लेके आए हैं जो वो सीख रहे हैं, जिस पे साधना कर रहे हैं, और आज यहाँ जेल में, उज्जैन के भैरवगढ़ की सेंट्रल जेल में ये बच्चे उन आत्माओं का समाधान करने के लिए, उनको शांति देने के लिए आए हैं जो इन जेल की दीवारों में त्रस्त है, अपने परिवारों से दूर हैं और अपनी परेशानियों में खोए हुए हैं। इन लोगों के लिए ये आज वाद्य लेकर आए हैं और बजाने वाले हैं। मैं हीमा नगरे अनाम प्रेम परिवार से, और हम सारे 15 लोग अनाम प्रेम के आए हुए हैं बम्बई से यहाँ, और इन लोगों पे परिषेक, प्रेम का परिषेक करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आज केंद्रीय जेल उज्जैन में सेवा धाम आश्रम की तरफ से जो है मुंबई से आए कलाकारों द्वारा जो है प्राचीन अपनी जो परंपरागत संगीत है उसका यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही रुचि से हमारे बंदी सुन रहे हैं, और पहली बार हम लोग भी रुद्र वीणा जो है उसका वादन पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि रुद्र वीणा जो है वो भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए उनके नाम से ही इस वाद्य यंत्र का नाम भी है। तो इसको सुनना भी अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है कि आज हमको जेल परिसर में ना सिर्फ रुद्र वीणा बल्कि कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले इस जेल परिसर में कृष्ण की बांसुरी का भी हमने सुना है। एक कलाकार ने देशभक्ति के गीत भी गाए, उसमें सभी कैदियों ने
तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जी उज्जैन के ही एक कलाकार हैं, उनके द्वारा जो है देशभक्ति का दो प्रस्तुति यहाँ दी गई, जिसे बंदियों ने बड़े